प्यार, मोहब्बत, शादी, नौकरी, बेरोजगारी, नशा और फिर अंत में आत्महत्या। जी हाँ, एक ऐसा कदम जिससे एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां पल भर में खत्म हो गईं। पीछे रह गए वो लोग जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिन बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया, आज वो बेरोजगारी की वजह से ऐसे दुनिया छोड़ देंगे। लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि हस्ती खेलती जिंदगी को किसकी नजर लग गई। दरअसल यूपी के वाराणसी जनपद से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने के बाद लोग हक्के बक्के रह गए। जहां बेरोजगारी से तंग आ चुके एक युवक ने अपनी जान दे दी, तो वहीं पति की मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी ने गोरखपुर में छत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के मुताबिक पटना का रहने वाला हरीश बगेश और गोरखपुर की रहने वाली संचिता श्रीवास्तव एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हरीश और संचिता को 11वीं क्लास से ही एक दूसरे से प्रेम था। बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि शादी को लेकर दोनों परिवारों में रजामंदी नहीं थी। शादी के बाद से ही कपल मुंबई में रहकर नौकरी करता था, लेकिन संचिता की तबीयत खराब होने के बाद उसके पिता उसे लेकर गोरखपुर आ गए थे, जहाँ उसका इलाज चल रहा था। हरीश भी मुंबई में अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर गोरखपुर आ गया था। दो दिन पहले ही हरीश गोरखपुर से पटना जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वो वाराणसी आ गया था, जहां वो सारनाथ क्षेत्र की अटल नगर कॉलोनी में एक होम स्टे में रुका हुआ था, जहां उसने अपनी जान दे दी। जब ये बात गोरखपुर में अपने पिता रामचरण श्रीवास्तव के यहाँ रह रही संचिता को पता चली, तो उसने छत से कूद कर जान दे दी। खैर, इस पूरे मामले में पुलिस का यही कहना है कि रोजगार नहीं मिलने की वजह से युवक ने जान दे दी। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि जहां युवक की मौत हुई है, उस जगह से किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बहरहाल सवाल ये है कि क्या वास्तव में बेरोजगारी अब इस कदर हावी हो चुकी है कि युवकों को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।